नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनफो। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है कि अगर 75% से कम हुई उपस्थिति तो प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जो मेरे नए मेहमान हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले आपको। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक बीके ओझा ने पत्रांक 1010 दिनांक 20/7/18 के आलोक में पत्र जारी करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया है कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह पाया जा रहा है कि विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के अनुपात में उनकी भौतिक उपस्थिति काफ़ी दयनीय है। किसी भी विद्यालय में 50% से अधिक उपस्थिति की नहीं पाई जा रही है। साथ ही वर्ग संचालन में भी शिक्षकों के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। विभाग का कहना है कि सभी योजनाओं का लाभ वैसे ही छात्र छात्राओं को देना है जिनकी विद्यालय में न्यूनतम उपस्थिति 75% है। आपको बता दें कि विभाग ने आदेश दिया है कि एक अभियान के रूप में सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए तथा 75% से कम छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जवाब तलब करके उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। ये वो पत्र है जिसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं और जो इस खबर की सत्यता की पुष्टि करता है। आप इस पत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को हर शिक्षक तक पहुंचाइए ताकि सब किसी को जानकारी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।